अनुश्री के मुंह से माया के बारे में वैसी बातें सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। ना चाहते हुए भी उसका लहजा एकदम सख्त हो गया था। उसने गुस्से से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को जज करने वाली आप कौन होती हैं? अनुश्री ने उसे ऐसे गुस्सा करते हुए देखा तो धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ गई और बोली, हाँ आवाज नीचे अर्जुन, मैं माँ हूँ तुम्हारी, अब चाहे सौतेली ही सही, और इसी नाते उस लड़की की साजिशों के बारे में तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। तुम ही देखो ना, प्यार मोहब्बत तक तो सब ठीक है, लेकिन ऐसे अचानक से किसी का भी पाप लाकर तुम्हारे सिर पर मर देना, ये साजिश नहीं तो और क्या है? कल की कोई भी आई हुई अपने बच्चे को लाकर आकाश की प्रॉपर्टी में हिस्सा ढूंढने लगे तो मुझे तो फिक्र होगी ही ना। अनुश्री का ये कहना था कि अर्जुन का बर्दाश्त जवाब दे गया। गुस्से में उसका हाथ खुद ब खुद उस पर उठने चला था। अनुश्री ने एक नजर उसके उठे हुए हाथ पर डाली और फिर तंज से मुस्कुराने लगी। अर्जुन ने बड़ी मुश्किलों से खुद पर कंट्रोल किया और हवा में उठा हुआ हाथ उसने वापस नीचे ले लिया। फिर अर्जुन ने एकदम ठंडे लहजे में कहा, ये बात आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि कोई भी अपने बच्चे को जरिया बनाकर किसी की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार कैसे बन जाता है। अर्जुन की इस बात ने अनुश्री को एकदम जैसे तिलमिला सा दिया था, लेकिन उसने अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा, अच्छा हुआ जो तुम खुद ही इस टॉपिक पर बात करने लगे, कम से कम अब मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में दिक्कत तो नहीं होगी। उसके कहने पर अर्जुन कुछ चौंकता हुआ उसे देखने लगा। अनुश्री ने वहीं सोफे पर बैठते हुए कहा, तो मुद्दे की बात यह है अर्जुन, जब तक मैंने माया और उसके इस अचानक से पैदा हुए बच्चे के बारे में नहीं जाना था, तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब मैं उस लड़की को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहती। अर्जुन ने एक तंज भरी स्माइल देते हुए वहीं उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, आप जो भी कहना चाहती हैं वो आप एकदम खुलकर कहिए, यकीन जानिए आप अगर उसमें माया का जिक्र भी नहीं करेंगी तो मैं भी आपकी बात उतनी ही गौर से सुनूंगा। मुझे कंपनी में तुम्हारे और आकाश के पूरे पूरे शेयर्स चाहिए। उसका इतना कहना ही था कि अर्जुन गुस्से से उठकर खड़ा हुआ और बोला, आप पागल तो नहीं हो गई हो? उसे इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर अनुश्री ने एकदम बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूँ अर्जुन, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऋषु को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, तब तुम अपने डैड को पागल होने से नहीं रोक पाओगे। अर्जुन ने कुछ तेज आवाज में कहा, अगर आप ये सब मजाक में कह रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बेहद घटिया मजाक है। नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। देखो, मुझे कहीं से भी ऐसा लग रहा है क्या कि मैं इतनी बड़ी बात मजाक में कह रही हूँ? देखो, अनुश्री ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा तो अर्जुन गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, कंपनी के शेयर्स हैं, कोई तनिष्क के शोरूम में सजी हुई ज्वेलरी नहीं कि जो जी चाहा उठा लिया और उसका बिल हस्बैंड भरता रहेगा। मैं अभी के अभी नीचे जाकर डैड को तुम्हारी सारी हकीकत बताता हूँ, तुम्हें उन्हें मारने की साजिश से लेकर उनकी दवाइयां तक स्किप कराने की सारी सच्चाई वो इतना सुनेंगे और तुम्हें खुद ब खुद अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेंगे। उसने जैसे ही अर्जुन को बाहर जाते हुए देखा तो बोली, ठीक है, अगर तुम ये बातें आकाश को बताना चाहते ही हो तो शौक से बताओ, लेकिन एक बार इसका अंजाम भी अच्छे से सोच लेना, कहीं सच्चाई जानने के चक्कर में अगर तुम्हारे बूढ़े डैड का दिल कमजोर सा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया तो फिर तुम कंपनी के शेयर्स भले ही बचा लो मगर अपने डैड की जिंदगी नहीं बचा पाओगे। अनुश्री की धमकी में कुछ ऐसा था कि बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता हुआ अर्जुन वहीं ठिठक कर रुकने पर मजबूर हो गया। अब समझदार इंसान वही है जो बुरे और बहुत बुरे ऑप्शन में से सिर्फ बुरे को सिलेक्ट कर ले। अब तुम देख लो कि तुम्हें डैड की जिंदगी ज्यादा प्यारी है या फिर अपनी कंपनी। अर्जुन एक झटके से पीछे मुड़ते हुए बोला, तुम अच्छे से जानती हो अनुश्री कि मैं अपने डैड की जिंदगी पर ऐसे सैकड़ों कंपनीज कुर्बान कर सकता हूँ। तब अनुश्री ने उसे जीत भरी स्माइल देते हुए कहा, तो ये हुई ना समझदार इंसानों वाली बात, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल के कल तुम्हारे पेपर्स तैयार हो जाएंगे। अर्जुन ने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, बन जाएंगे पेपर्स भी, इतनी जल्दी क्या है,
तुम जरूर यहाँ से भाग सकती हो, मगर ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए थोड़ा सब्र करो। फॉर्मेलिटीज पूरी करने में कम से कम 2 दिन का वक्त तो जरूर लगेगा, कहकर अर्जुन वहां से तेजी से निकला और अपने कमरे में चला आया। कमरे में आते ही उसने अपने शूज से ठोकर मारकर दरवाजा जोर से बंद किया और पास पड़े टेबल से सारी चीजें उठा उठा कर फेंकने लगा। ब्लडी बिच, मेरे डैड को मारेगी, मेरे डैड को, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। हमारे घर पर रहकर हमारे टुकड़ों पर पलने वाली औरत हमें ही धमकी दे रही है। अर्जुन कमरे में पड़ी हर एक चीज को फेंकते हुए रौंदता जा रहा था, यहाँ तक कि किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक कर दिया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे कि कहीं आकाश जी तो नहीं आ गए। उसे डर हो गया था कि अगर डैड ने उसे इस हालत में देखा तो फिर उनके सवालों का वो क्या जवाब देगा, इसीलिए उसने जल्दी से उल्टी पड़ी हुई चेयर उठाकर सीधी की और फिर से बोला, कौन है? लेकिन उधर से कोई जवाब आने की बजाय सीधे दरवाजा खुला। अर्जुन की नजर उठी तो सामने रूमा खड़ी थी। उसने हैरत से उसके कमरे में बिखरी हुई चीजों को देखते हुए पूछा, आप ठीक हैं? अर्जुन ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उस पर झल्लाते हुए जोर से चीखा, अपने काम से काम रखो, निकलो यहां से। रूमा उसका ऐसा रवैया देखकर एकदम कांप सी गई। वो बिना कुछ कहे वहां से भागती हुई वापस चली आई। अर्जुन ने दरवाजा लगाया और फिर उसका खुद पर से कंट्रोल खो गया। अब वो अनुश्री की बातें याद करके रोए जा रहा था। इधर अनुश्री ने अपने कबर्ड में छुपाकर रखी हुई विस्की की बोतल निकाली और सोफे पर आकर बैठी। वो मुस्कुराती हुई घूंट घूंट भरी जा रही थी। मेरी इस बार की चाल से तुम चाहो भी तो नहीं बच पाओगे अर्जुन। मुझे अच्छे से पता है कि आकाश की तुम्हारी जिंदगी में क्या वैल्यू है और बस यहीं पर तुम मुझसे मात खाने वाले हो, क्योंकि अगर आकाश को मेरी सच्चाई पता चल गई तो ऑब्वियसली वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खुद से ये सब कहते हुए आज अनुश्री बेहद खुश थी। फाइनली उसका सपना सच होने जा रहा था। रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अब मेरी होने वाली है, बस 2 दिन और। एक बार ये सब कुछ मेरे नाम हो जाए उसके बाद में इंडिया छोड़कर सिंगापुर शिफ्ट हो जाऊंगी। और उस बुड्ढे खुसट ने क्या सोचा था कि मुझे उससे प्यार हो गया है? अनुश्री के लिए प्यार और इश्क जैसी बेवकूफियां बनी ही नहीं है। अनुश्री को तो अब अपनी जिंदगी के लिए पैसा, रुतबा और सुकून चाहिए, जो कि बस अब मुझे मिलने ही वाली है। सोचते हुए उसने विस्की की कुछ और घूंट भरी। तभी रोमा घबराई हुई सी कमरे में आते हुए बोली, मैडम वो अर्जुन सर अपने कमरे में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। करने दो उसे जो कुछ भी करना है, अभी अगर वो तोड़फोड़ मचाकर अपना गुस्सा शांत नहीं करेगा तो उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी, कहकर अनुश्री ने फिर एक घूंट लिया और मुस्कुराने लगी। रोमा ये देखकर हैरान रह गई कि अनुश्री ने इस बात को इतना लाइट ले लिया, जबकि अभी वो अर्जुन के कमरे की हालत देखकर आ रही थी उसकी वजह से उसे अब तक डर लग रहा था। दूसरी तरफ माया जब ऑफिस से वापस घर आई तो उसने अचानक से अर्जुन की बातें याद की। उसने सुबह से एक बार भी माया को कॉल या मैसेज तक नहीं किया था, जबकि सुबह से ज्यादातर न्यूज चैनल पर अर्जुन और माया की खबरें ही चल रही थी। उसे अचानक से अर्जुन की फिक्र होने लगी थी। उसने अर्जुन को मैसेज किया लेकिन अर्जुन वह काफी देर ऑनलाइन नहीं आया। थक हार कर माया ने उसे कॉल किया मगर रिंग जाने के बाद भी अर्जुन ने कॉल पिक नहीं किया। ये मिस्टर रॉय कहाँ चले गए, कॉल भी पिक नहीं कर रहे? अभी वो खुद से ये कह ही रही थी कि तभी स्क्रीन पर अर्जुन का नंबर फ्लैश होने लगा। उसने एक सेकेंड भी गवाए बगैर कॉल पिक किया और बोली, मिस्टर रॉय सब ठीक तो है ना, आप कहाँ हैं? अर्जुन ने उधर से कहा, दरवाजा खोलो मैं बाहर ही हूं। माया कॉल कट करके जैसे तेजी से गई और जाकर दरवाजा खोल दिया। अर्जुन धुआं धुआं चेहरा लेकर उसके सामने खड़ा था। माया ने उसके ऐसे एक्सप्रेशंस देखे तो एकदम से उसकी बांह थाम कर उसे अंदर लाती हुई बोली, आप इतने बुझे हुए क्यों दिख रहे हो मिस्टर रॉय, क्या हुआ, क्या उस न्यूज की वजह से आप डिस्टर्ब हो? माया ने एक साथ जैसे सवालों की झड़ी लगा दी थी। अर्जुन अंदर आकर सोफे पर निढाल होकर बैठते हुए बोला, वही हुआ माया जिसका डर था, कि अनुश्री बिल्कुल वैसी ही निकली जैसा हमने इसके बारे में अंदाजा लगाया था।
कहकर उसने माया का हाथ थामा और एकदम से फूट फूट कर किसी बच्चे की तरह रोने लगा। माया से उसका इस तरह रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तड़प कर उसे अपने सीने में छुपाते हुए कहा, आखिर क्या हुआ, आप मुझे पूरी बात तो बताइए। अर्जुन ने उसके सीने से लगे हुए ही धीरे धीरे अनुश्री की सारी बातें उसे कहकर सुनाई। माया एक एक बात सुनकर हैरान होती जा रही थी। उसे ये तो पता था कि अनुश्री एक बहुत शातिर औरत है, मगर वो अचानक से इतनी बड़ी डिमांड करते हुए अपनी असलियत दिखाएगी उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने अर्जुन का चेहरा थाम कर उसके आंसू पोंछे और बोली, सब वक्त वक्त की बात होती है मिस्टर रॉय, आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों मिलकर इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बस हमें उसके सामने ये जाहिर नहीं करना है कि उसने हमें इस लड़ाई में मात दे दी है। अर्जुन ने उसका हाथ थाम कर अपने बगल में बिठाते हुए कहा, मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है माया कि हमारे हाथों से खड़ा हुआ हमारा इतना बड़ा एम्पायर उस अनुश्री के हाथों में चला जाएगा। मैं तो बस ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि अगर डैड को ये सारी बात पता चल गई तो डैड ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माया ने उसे वैसे ही हिम्मत बंधाते हुए कहा, आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम डैड को कुछ भी पता नहीं चलने देंगे। रहा सवाल इस मुसीबत से कैसे निकला जाए तो वो मिस्टर सिंह के पर्सनल लॉयर एडवोकेट स्मिथ से बात करके जरूर हल हो जाएगा, आप मुझे बस कल तक का टाइम दीजिए। माया के इस तरह यकीन दिलाने से अर्जुन को कुछ तसल्ली तो हुई थी, मगर उसे अभी भी रह रहकर अनुश्री पर गुस्सा आ रहा था। माया ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, इस अनुश्री को तो हमें उसी की भाषा में जवाब देना होगा मिस्टर रॉय, मक्कार इंसान को उसकी मक्कारी से ही मात दी जा सकती है। माया मन ही मन खुद ही सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रही थी और अनुश्री से किस तरह से निपटा जा सकता है उसकी प्लानिंग्स कर रही थी। साथ ही उसे ये भी यकीन था कि मिस्टर स्मिथ कोई ना कोई वे आउट जरूर निकाल देंगे। वो रात अर्जुन पर बहुत भारी गुजर रही थी। वो तो ओमी और उसकी मासूमियत भरी बातें थी जिससे उसका दिल बहल रहा था, वरना वो अभी तक अनुश्री की बातें और उसका लहजा भुलाने की कोशिश में लगा रहता। इस वक्त उसे माया और ओमी अपने लिए किसी ब्लेसिंग्स जैसे लग रहे थे, जिनके साए में आकर उसकी सारी परेशानियां खो गई थी और वो मुस्कुराने लगा था। अर्जुन जब अगली सुबह ऑफिस पहुंचा तो एक नई हैरानी उसका इंतजार कर रही थी। सुबह घर के ऑफिस आते हुए हाउस सुपरवाइजर ने उसे घर खर्च की फाइल थमा दी थी। हालांकि उस वक्त उसे उस पर भी काफी गुस्सा आया, आज से पहले उसने ये सब कभी नहीं किया था और फिर आज वो सुपरवाइजर जबरदस्ती उसे फाइल देखने के लिए कह रहा है, आखिर क्यों? लेकिन जिस तरह से वो फाइल ओवरव्यू करने के लिए प्रेशर डाल रहा था, उसके बाद अर्जुन के मन में भी एक खटका सा हो गया था। उसने ज्यादा कोई बहस किए हुए उससे वो फाइल ले ली और अब ऑफिस आकर उस फाइल के पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक पॉइंट पर आकर ठहर सी गई। उसने जैसे खुद से सवाल किया,